दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे देश को इस कोविड नामक बीमारी से लड़ने के लिए। और दोस्तों उसमें से आज पहला पैकेज दिया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने। और दोस्तों उन्होंने एमएसएमई के लिए जो खास बात कही है वो मैं आपको बताता हूं कि क्या खास बात आज कही है निर्मला सीतारमन जी ने एमएसएमई सेक्टर के लिए। यू तो और भी कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, पर मैं बात करूंगा उन सुविधाओं की, उस पैकेज की जो एमएसएमई सेक्टर के लिए है। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भाई हमने एमएसएमई के लिए 6 तरह की योजनाएं बनाई हैं और उनकी आज घोषणा की गई। दोस्तों मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं पहले कि वो 6 जो योजनाएं हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला जो पैकेज का जो पहली जो आज अनाउंसमेंट है एमएसएमई के लिए, उन्होंने कहा कि भैया आपको 3 लाख करोड़ रुपए का कॉलेट्रल फ्री कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। और दोस्तों ये जो 3 लाख करोड़ का लोन है, ये जो लोन है ये ऑटोमेटिक लोन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय है कि भैया लोन के लिए तो सरकार कह देती है कि एमएसएमई को लोन दो, लेकिन जब वो बैंक में जाते हैं तो बैंक्स उनका जो अप्रीजल करते हैं या जो डिसीजन लेते हैं कई बार समय पर नहीं लेते या उनका लोन रिजेक्ट कर देते हैं। दोस्तों एक खास बात एक स्कीम की आज ये है कि ये ऑटोमेटिक है। मैं इसकी पूरी डिटेल आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। मैं 6 वीडियो बनाऊंगा छोटी छोटी, ताकि आपको हर स्कीम, हर पैकेज के, हर स्कीम के बारे में मैं बता सकूं। तो ये हो गया पहला जो आज अनाउंसमेंट है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा एमएसएमई सेक्टर के लिए कि भैया 3 लाख करोड़ का लोन मिलेगा ऑटोमेटिक रूप में, ये याद रखिए। दोस्तों दूसरा जो बात उन्होंने कही कि हम सबॉर्डिनेट डेट देंगे इन एमएसएमई को। ये सबॉर्डिनेट डेट क्या होता है, क्या इसका फायदा होता है, डेट में और सबॉर्डिनेट डेट में क्या फर्क होता है, इसके लिए भी मैं आपको अलग से एक वीडियो यहां पोस्ट करूंगा बहुत जल्द। दोस्तों ये जो आज का अनाउंसमेंट है इस सबॉर्डिनेट डेट के लिए, तो ये सबॉर्डिनेट दिया जाएगा 20,000 करोड़ रुपए का। जो तीसरा अनाउंसमेंट है एमएसएमई सेक्टर के लिए वो है 50,000 करोड़ रुपए तक का कैपिटल इन्फ्यूजन अंडर फंड्स ऑफ फंड्स, ये भी एमएसएमई को मिलेगा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से एक अलग वीडियो में बहुत जल्द बता रहा हूं। दोस्तों इसके अलावा आज फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और बहुत पुरानी जो डिमांड थी एमएसएमई सेक्टर की, उसमें भी एक अनाउंसमेंट किया है। डेफिनेशन के लिए बहुत दिनों से ये डिमांड थी कि भैया आपने जो डेफिनेशन जो बनाई थी एमएसएमई की, वो 2006 में जब एमएसएमई डी एक्ट यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट आया था, तब आपने वो डेफिनेशन या सेट की थी थ्रेशोल्ड लिमिट कि भैया माइक्रो कौन है, स्मॉल कौन है, मीडियम कौन है, उनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट के बेस पर आपने बताया था डेफिनेशन क्या होगी। तो एमएसएमई की ये बहुत दिनों से डिमांड थी कि भाई आप इसका जो लिमिट है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की, वो भी 2006 से चल रहा है। और साथ में उनकी एक और डिमांड थी कि इसको टर्नओवर बेस्ड होना चाहिए डेफिनेशन को एमएसएमई की। इसके लिए भी मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो में डिटेल में बता रहा हूं कि डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई में क्या चेंज किया और आपका इस पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों ये हुआ चौथा अनाउंसमेंट। अब मैं आपको बताता हूं जो फिफ्थ अनाउंसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सरकार ने कहा है कि देखिए साहब, हम जब टेंडर करते थे तो ग्लोबल टेंडर होता था बहुत सारी चीजों के लिए, और उसमें जो बाहर की कंपनीज थी वो भी पार्टिसिपेट कर सकती थी। तो अब मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा है कि 200 करोड़ तक के टेंडर में हम ग्लोबल टेंडर नहीं करेंगे। और दोस्तों लास्ट यानी सिक्स जो अनाउंसमेंट है एमएसएमई सेक्टर के लिए आज, समझ लीजिए वो तो बरसों पुरानी एक जो आस थी वो पूरी हो गई आज। और मेरी खास तौर से, मैंने तो इसके लिए एक मुहिम चला रखा था,
वो था कि भैया आप लोन देते हो, आप इंटरेस्ट हमारा कम कर देते हो, लेकिन वो जो कर्ज है वो तो हमारे ऊपर चढ़ जाता है। और जो हम अपना सामान बेचते हैं, जिसके लिए हम लीगली हकदार हैं कि हमारा पैसा 45 दिन में मिलना चाहिए, एज पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, वो हमें मिलता है कभी 90 दिन में, कभी 270 दिन में, कभी 1 साल में, कभी 2 साल में। यानी इसका असर ये होता है कि हम अपना पैसा और जो हम बैंक से पैसा ले रहे हैं ब्याज पर, वो पैसा हम लगा देते हैं अपने प्रोडक्ट में या कोई सर्विस देने में, और जब उसको बेच देते हैं सरकार को, फिर हम भटकते रहते हैं अपने पेमेंट के लिए। उधर हमारा जीएसटी ड्यू होता रहता है, वो हमें अपने पास से और भरना होता है। तो हमारी ये बहुत डिमांड थी, और मैंने और चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने खास तौर से ये सजेशन बहुत जोर से रखा था अपने ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। और यहां तक कि जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला था, जब उन्होंने मुझे बुलाया था कुछ और एमएसएमई के जानकारों के साथ इकोनॉमी पर चर्चा करने के लिए, तो मैंने उनसे भी ये आग्रह किया था हाथ जोड़कर कि साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्लीज हमारा जो पैसा है, जो गवर्नमेंट के पास है, सीपीएससी के पास है, प्लीज वो हमें टाइम से दिलवाइए। अब वो हमारी सरकार ने मांग मान ली है, और जो सिक्स अनाउंसमेंट है वो यही है कि जो भी पैसा एमएसएमई का सरकार या सीपीएससी के पास होगा, वो 45 डेज के अंदर उनको देना पड़ेगा। दोस्तों ये थे 6 अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट तो आज और भी कुछ किए फाइनेंस मिनिस्टर ने, लेकिन मैं खास तौर से जो इंपॉर्टेंट 6 अनाउंसमेंट हैं एमएसएमई के, वो ही आज आपको बता रहा हूं। और मैं आपको अब 6 अलग अलग वीडियो छोटी छोटी बनाकर, ताकि आप ज्यादा बोर भी ना हो और आप हर स्कीम को समझ सके अच्छे से, और मैं भी आपको समझा सकूं अच्छे से, तो मैं छोटी छोटी 6 वीडियो आपको यहां पर बनाकर पोस्ट कर दूंगा। और दोस्तों एक बात और, इन जो स्कीम्स हैं इनके बारे में अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे लिए भी ये संभव नहीं हो पाता कि जो अब मेरे सब्सक्राइबर मित्र हैं उसके लिए भी मैं आपको हाथ जोड़कर बधाई देना चाहता हूं कि 5 लाख की संख्या हमने अब पार कर ली है। तो मैं हर किसी को, सबको मैं कोई समाधान दे सकूं, यानी मैं सलाह तो दे सकता हूं, लेकिन उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करना मेरे बस में नहीं है। और आपको पता है कि अभी लॉकडाउन का पीरियड भी चल रहा है, तो स्टाफ की भी समस्या है। तो अब हमने केवल शुरू के 1,000 मेंबर्स के लिए एक स्पेशल स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से, कि आज से पहले 1,000 जो हमारे मेंबर बनना चाहते हैं चैंबर के, उनको एक बहुत ही स्पेशल पैकेज के तहत, दोस्तों जो चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो मेंबरशिप फीस है वो टर्नओवर के बेस पर होती है। अब हमने पहले 1,000, ध्यान रखिए बस इसमें हम केवल 1,000 लोग, क्योंकि उनको ही हम सही तरह से पूरी जो मदद है, मैं समझता हूं कि हम इस समय में इससे ज्यादा लोगों की नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले आने वाले 1,000 एमएसएमई को, अगर आप चाहते हैं कि चैंबर की मेंबरशिप लें, तो एक विशेष पैकेज यहां पर मैं दे रहा हूं, नीचे मैं फॉर्म दे रहा हूं दोस्तों, आप प्लीज उसको जल्दी से भर के मुझे सबमिट कर दीजिए। मैं आपको वो ऑफर भेज दूंगा स्पेशल पैकेज का, और इनमें से कुछ चीजें जो आपको चाहिए उसमें हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि वो सब चीजें हम आपको बिल्कुल दिला ही देंगे, लेकिन हम पूरी मदद करेंगे आपको उन सारी स्कीम्स का फायदा लेने के लिए। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना, जल्दी से जो फॉर्म मैंने दे रहा हूं इसको तुरंत भर दीजिए, कहीं बाद में देर ना हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।